मेरठ के राज राजेश्वरी मंदिर में बुधवार को जगतगुरु शंकराचार्य पहुंचे, जहां लव जिहाद को लेकर हुए सवाल के बाद जमकर बवाल हुआ। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए जगतगुरु से भिड़ गए, जिसके बाद शंकराचार्य के शिष्यों ने आरएसएस पदाधिकारी समेत उनसे मिलने पहुंचे बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल को भी धकिया कर बाहर निकाल दिया। घटना को लेकर जहां जगतगुरु शंकराचार्य ने आरएसएस पदाधिकारी और भाजपा सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद ने भी जगतगुरु शंकराचार्य के आचरण को एक संत का आचरण ना बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। दरअसल ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बुधवार को सम्राट पैलेस स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में पहुंचे थे, जहां वह पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान लव जिहाद को लेकर पूछे गए एक सवाल पर जगतगुरु ने कहा कि वर्तमान समय में बदलते सामाजिक परिवेश के चलते लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही है। पुराने समय में बच्चों को शुरू से ही उनके धर्म और समाज की कुरीतियों के भविष्य में जानकारी देते हुए अपने ही धर्म में शादी करने की बात समझाई जाती थी, लेकिन आज के समय में लड़के और लड़की एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, हर धर्म के युवक युवती साथ रहते हैं, जिसके चलते प्रेम संबंध बनते हैं और बाद में गैर धर्म में शादियां भी होती है।